दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं न्यूज़ पैकेट। न्यूज़ पैकेट में आपका स्वागत है। स्वामी विवेकानंद के जयंती के पूर्व संध्या पे देखिए कि यहाँ पे किस तरीके से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में दीप प्रज्वलित किया गया है, और यहाँ पे कितना सुंदर और भव्य उनकी आकृति भी बनाई गई है। तमाम यहाँ के संगठन के लोग हैं, उनसे जान लेते हैं कि किस तरीके से आप ये लोग कार्यक्रम करें, क्या कुछ आप लोगों ने किए हैं यहाँ पे। आज युवा दिवस के पूर्व संध्या पर युवाओं के प्रेरणास्रोत स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के उपलक्ष्य में हम सभी युवाओं के द्वारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी महानगर और विद्यापीठ इकाई के द्वारा विवेकानंद जी की एक प्रतिमा बनाई गई है फाइन आर्ट की अपने कार्यकर्ताओं के जरिए, और उस पर दीप प्रज्वलित करके स्वामी विवेकानंद जी को याद किया गया है और उनके विचारों को, जो उन्होंने कहा था कि ज्ञान शीलेखता की जो हम लोगों का लक्ष्य होता है, जो मूल मंत्र उनका दिया गया है हम लोगों के विद्यार्थी परिषद को, उन्हीं मंत्रों के साथ हम लोग स्वामी विवेकानंद जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पे सारे कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे और दीप प्रज्वलित करके उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। क्या कहेंगे आप उनके लिए? नमस्ते, मेरा नाम आकाश सिंह है। हम लोग विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं। विद्यार्थी परिषद के प्रेरणा पुंज हैं हम लोग के विवेकानंद जी। विवेकानंद जी की कल जयंती है, उनकी जयंती के पूर्व संध्या पे उनको याद करके उनके द्वारा दिए गए वक्तव्य, उनके द्वारा दिए गए राह दिखाए गए, उस राह पे या चलने के लिए याद करके उनको, उनके फाइन आर्ट के छात्र जो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं उनकी कलाकृति उतारे हैं, उनको दीप प्रज्वलन करके सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की गई विद्यार्थी परिषद महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के इकाई कार्यकर्ताओं द्वारा, और उनको याद करके उनके द्वारा जो रास्ता दिखाया गया उस पर चलने के सभी कार्यकर्ताओं ने प्रण लिया है कि हम स्वामी जी के दिखाए रास्ते पर चलेंगे और भारत के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाएंगे। स्वामी विवेकानंद तो विश्व पटल पे भी जाने जाते हैं, लेकिन भारत में कितने लोग उनको जानते, तो सभी लोग, लेकिन उनका अनुसरण करने वाले बहुत कम हैं। देखिए, क्या है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 1949 से लेकर के आज तक स्वामी विवेकानंद जी के बताए हुए मार्गों पर चलता आया है और आगे भी चलने का काम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ही करेगा। और कोई आप पूरे भारत में कोई ऐसा छात्र संगठन हो जो स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पर चलता हो, तो आपने कहीं देखा नहीं होगा कि स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पर कोई छात्र संगठन चलता हो। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उनको अपना गुरु मानकर उनके सारे वक्तव्यों को दिए हुए जो उनके मूल मंत्र है, उसके जरिए विद्यार्थी परिषद देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने के लिए निरंतर काम करता है। 365 दिन विश्वविद्यालय में समाज के बीच में काम करता रहता है। थोड़ा सा और भी कार्यकर्ता हैं, उनसे भी जान लेते हैं। काशी विद्यापीठ के जो राष्ट्रीय कला मंच, जो हमारा एक आयाम है जो कला के क्षेत्र में काम करता है, उनके विद्यार्थियों ने पोर्ट्रे बनाकर उनको नमन किया है। और इसी, चूँकि आप विदित है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है और छात्रों के हित में काम करता रहता है और साथ साथ सामाजिक चेतना जगाने का भी काम करता है, ऐसे में हमारे जो आदर्श हैं स्वामी विवेकानंद जी, उनकी जयंती को हम धूमधाम से मनाने का कार्य करेंगे। और ये जो हफ्ते भर का पूरा हमारा एक शेड्यूल रहता है जिसमें हम क्विज कंपटीशन कराएंगे, शोभा यात्रा निकालेंगे, खेल के माध्यम से कार्यक्रम कराएंगे। हमारा आयाम SFS स्टूडेंट फॉर सेवा, जो सेवा के क्षेत्र में काम करता है, ऐसे में कंबल वितरण, SFD जो हमारा पर्यावरण के क्षेत्र में काम करता है, ऐसे में साफ सफाई, इस तरह का कार्यक्रम हम पूरे युवा पखवाड़ा में करने वाले हैं। ठीक है, तो आज किस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे इनका जन्मदिन के पूर्व संध्या पे, ये जो हम लोगों ने कार्यक्रम को पहले से तय कर रखा था और ये हर वर्ष इस भांति से कार्यक्रम लगातार होता रहता है, और यह जो स्वामी विवेकानंद जी हैं हम लोगों के आदर्श हैं। स्वामी विवेकानंद जी को ही ऐसे हैं जो युवाओं को के प्रेरणा स्रोत हैं, उनसे युवा प्रेरित होते हैं, हम लोग भी उनके मार्ग पर चलने का काम करते हैं और विद्यार्थी परिषद इनको अपना प्रेरणा स्रोत मानता है और हम लोग विद्यार्थी परिषद और छात्र राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग इस कार्यक्रम को पूरे इस पखवाड़े तक लगातार करेंगे जब तक कि जिसमें कि तमाम योजनाएं हैं हम लोगों की, शोभा यात्रा से लेके और भी कई कार्यक्रम हैं। तो आप देखें कि यहाँ पे किस तरीके से जन्मदिन के पूर्व संध्या पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तमाम छात्र नेताओं ने इनकी जन्मदिन के लिए पूर्ण रूप से बधाई और तमाम तरह के कार्यक्रम के आयोजित करने जा रहे हैं। लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे थे, हमारे साथ बने रहे न्यूज़ पैकेट के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा